ये रैम को भी मैं क्या कर लिया हूँ, ठीक है ना, आप धीरे धीरे फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद डीसी का रीडिंग क्या आए वो भी देखेंगे, है ना सर? ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस तरीके से सीपीयू लगाते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से हम सीपीयू को सबसे पहले फिक्स करेंगे, है ना? देखिए, मैंने जैसे जैसे सीपीयू लगा था, इसका नुस्कर्पण यहाँ था ना, yes, sir. रैम का नोस्कर्पण जहाँ होगा सीपीयू का नोस्कर्पण भी, अच्छा मैंने आपको बोला था नोस्कर्पण के ठीक ऊपर से स्क्रैपर डाल, यस सर, शुरुआत क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे कौन सी पॉइंट है, ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड पॉइंट, तो ये अगर आपका यहाँ पे स्क्रैपर डालते हुए खराब भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है? चलिए सीपीयू को फिक्स करते हैं सबसे पहले सर, तो हमने सीपीयू फिक्स कर लिया। सीपीयू फिक्स करने के बाद कभी भी रैम लगाना नहीं है डायरेक्ट, कभी भी रैम लगाना नहीं है डायरेक्ट, है ना? सबसे पहले सीपीयू लगाने के बाद हमें सर डीसी रीडिंग चेक करना, क्या चेक करना, डीसी, वो भी डीसी बूट केबल से नहीं, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, यस सर, प्लस सैमसंग की बीएसआई और थर्म की और आपकी जो बूट केबल है उसका बीएसआई थर्म अलग है, बूट केबल हमारा बना है साउमी के लिए स्पेशल, तो उसके कारण आपको सही से सैमसंग में डीसी रीडिंग नहीं आएगा, तो आप हमेशा सैमसंग में प्लस माइनस यूज किया करो, ठीक है? तो थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं, डब्बा ये उठा के मेरा। अब हमारा डीसी रीडिंग जो है वो 0.090 से 0.200 के बीच में स्टक होना, रुक जाना चाहिए, कहाँ से कहाँ, 0.090 से 0.200 के बीच में स्टक होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर ये रीडिंग हमारा नहीं रुक रहा है, मान लीजिए कि रीडिंग मेरा लो बूटिंग है 1 2 1 2 1 2 3 4, इसका मतलब सीपीयू सही से लगा नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए कि डीसी रीडिंग हाई बूटिंग जा रहा है 500 600 700, इसका मतलब सीपीयू जो लगाया हूँ इसके अंदर शॉर्ट हो रहा है, हाई बूटिंग जा रहा है, ठीक है? चलो सबसे पहले 0.090 मैं चेक करता हूँ, 90 से 200 के बीच में है कि नहीं? यस सर, है ना? इसका मतलब मेरा सीपीयू सही से लगा है, समझ में आ रही है? अगर ये रीडिंग आना चाहिए आपको, कुछ भी और कुछ मत चेक करना, ठीक है? अब उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, रैम को लगाएं, क्या लगाएं, रैम। अब रैम लगाने के बाद सपोज सेम इसी रीडिंग में स्टक हो रहा है या रीडिंग स्टक हो रहा है, इसका मतलब रैम सही से है, या तो रैम लगाने के बाद मेरा क्या हो रहा है, हाई बूटिंग जा रहा है, इसका मतलब रैम भी, रैम जो बैठाया हूँ शॉर्ट हो गया। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा नोटिस कीजिए इस चीज को, ध्यान,
कि अब हम रैम लगाने वाले हैं, अब रैम में भी बॉल है, सीपीयू में भी जहां लगाने वाले हैं वहां पे भी बॉल है। ये कोई सरफेस के ऊपर नहीं बैठा है बॉल, बॉल के ऊपर बॉल बैठा है, ठीक है ना। तो अब इसको लगाने की थोड़ा तरीका अलग है, इसको ओटीपी मेथड से लगाते हैं। ओटीपी मेथड क्या है कि रैम को थोड़ा सा क्रॉस बैठाएंगे, हल्का सा। हल्का मतलब कितना, जैसे ये जंपर वायर है ना, दो जंपर वायर जुड़ने के बाद जितना स्पेस होता है उतना क्रॉस बैठाएंगे, और ऊपर से क्या देंगे, ऑटोमेटिक वो अपने सीधा जगह पे आ जाएगा। जैसे ही जगह पे आ जाएगा समझ जाएंगे कि रैम हमारा लग गया। अब रैम लगने के बाद आपको दोनों को टच करना है, सीपीयू को भी, खाली रैम को नहीं टच करना है, नहीं तो आगे भाग जाएगा। बॉल नीचे भी बॉल है, ऊपर भी बॉल है ना। तो सीपीयू रैम ऊपर वाला, ये मान लो रैम है, ये नीचे सीपीयू है, दोनों को टच करें एक साथ ताकि दोनों पोजीशन पे आ जाए सही पोजीशन। ठीक है, देखो अब मैं रैम फिक्स कर, रैम फिक्स करने के टाइम पे आपको जो फ्लैक्स है वो सेंटर में नहीं देना है। अगर ना सेंटर में देंगे ना तो फ्लैक्स भाप बनेगा और चार साइड से कहीं ना कहीं से एक निकालने की कोशिश करेगा तो एक साइड उठ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे, ठीक है ना, सेंटर में आ गया ना। यस सर, ठीक है। यस सर, अब फिर से बोर्ड को थोड़ा सा क्या करेंगे और क्या चेक करेंगे, पहले फिर से डीसीबी में है ना, एक एम्पियर के ऊपर हो गया है, इसका मतलब मेरा फोन, अब हम चेक करें डिस्प्ले आ रहा है कि चार्जिंग एम्पियर कितना ले रहा है। मतलब इसकी बैटरी में करंट नहीं आता, ठीक है। देखो यहाँ पे देखने की चीज है आपको, जैसे
और चार्जिंग का परसेंटेज आ गया। अब इसको पूरे ऑन करें, जो हमारा प्रॉब्लम हैंग लोगों या चार्जिंग लोगों की प्रॉब्लम में था, है ना। चार्जिंग मिल लेने का 1.6.2 सेकंड लोगों आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट कम है, चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का पैड भी नहीं आ रहा है, अब वो दिख रहा होगा, लाइट चार्ज नहीं है ना, लाइट कम है। पासवर्ड पता है? फिंगरप्रिंट का तरह दिख रहा है वो डायल पैड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डुअलडेकर को रिफिक्स कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे कर लेता सारा काम, फिर भी मेरा लाइट ग्राफिक्स नहीं आता, क्या नहीं आता, बहुत बार ऐसा होता। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो नीचे एक छोटा सा आईसी दिख रहा है ना आपको, ये आपका एमओएलईडी लाइट एंड ग्राफिक्स दोनों इसी के साथ है। यहाँ पे और कोई आईसी नहीं, ये जो आईसी है ये ड्राई सोल्ड, ये पेस्टेड होता है। अब यहाँ पे हीट करने के चक्कर में ये भी क्या हो जाता है, तो अगर मान लीजिए आपने सीपीयू और रैम रिवॉल्व किया, रिवॉल्व करने के बाद आपका डीसी रीडिंग ओके है, फिर लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो जस्ट इसको रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आया? सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। इंडिया का नंबर वन शूट कौन है?